नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के मैहर से। शासन की दूरदर्शिता कहे या प्रशासन की अंधेर, इन सब के चलते 5 गायों की मौत हो गई और प्रशासन नकारा साबित हो गया। ऐसे ही हालात मैहर के आमातारा क्षेत्र के हैं, जहां पर बिजली की तार टूट जाने से 5 गायों की मौत हो गई। ग्राम पंचायत आमातारा में विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से हुई 5 गायों की मौत। खेल मैदान में टूटी मेन लाइन की वजह से 5 गायों की मौत। यहां पर कभी नहीं हुआ तारों व खम्बों का मेंटेनेंस, जिसके कारण यह घटना घटित हुई। कौन है इसका असल जिम्मेदार? सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए मैहर से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। ढाबे में मिली सागौन सहित अन्य प्रजाति की बल्लियां, लाखों की कीमत बताई जा रही लकड़ियां। सिवनी वन परिक्षेत्र के उड़नदस्ता ने मुखबिर की सूचना पर ढाबे से जब्त की लकड़ियां। बंडोल वन परिक्षेत्र के गोरखपुर गाँव की घटना। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सिवनी से अजय रैदास की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। एक्सीडेंट से नहीं हुई मौत, रिक्शा चालक का हुआ मर्डर। एसडीएम की मां और चालक पर एफआईआर की मांग। जबलपुर के लॉर्डगंज थाना अंतर्गत गोल बाजार में हुए एसडीएम की गाड़ी से हुए एक्सीडेंट मामले में आज उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब करणी सेना एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता लॉर्डगंज थाने पहुंच गए और मामले में निष्पक्ष जांच सहित एसडीएम की मां और चालक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उनका कहना है कि रिक्शा चालक की मौत एक एक्सीडेंट नहीं था। एसडीएम के चालक एवं उनकी मां ने रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि गोल बाजार में एसडीएम के वाहन से टक्कर लगने के बाद रिक्शा चालक की मौत हो गई थी। इस मामले में उस समय बवाल खड़ा हो गया जब करणी सेना ने आरोप लगाया कि रिक्शा चालक की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि एसडीएम और उनकी मां की पिटाई के कारण हुई। लॉर्डगंज थाने का घेराव करने पहुंचे करणी सेना एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए एफआईआर की मांग की। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। वो एक एसडीएम तहसीलदार के ड्राइवर ने इतनी बुरी तरह मारा, मेरे आंखों के सामने उसको लातों से मारा। आप बताइए, एक गरीब आदमी को कोई मारता है? और वो भी ड्राइवर उतर के, उसकी मम्मी भी है, तहसीलदार की मम्मी जी ने भी दो झापड़ मारे उसको। ये कौन सी बात होती है? छोटा सा गरीब आदमी बेचारा रिक्शा, आप देखो कितना धूप पड़ रहा है, 47-45 कहने में वो चल रही है, डिग्री चल रही है, उसके बाद आपने उसको ऐसा मारा, इतना मारा बेचारे को कि वो मर गया। मैंने भाई चलो हो सकता है, आज किस लिए आए थे? आज इसीलिए लॉर्डगंज थाने आए थे कि लॉर्डगंज थाने में आज पेपर में जो दिया हुआ है कि उसको टक्कर से एसडीएम मतलब गाड़ी की टक्कर से, तहसीलदार की कार की टक्कर से रिक्शा चालक की मौत। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। यहां बहाई जा रही है 3,76,00,000 की ब्रांडेड शराब। आबकारी विभाग ने 3,76,00,000 रुपये बाजार मूल्य की ब्रांडेड कंपनी की अंग्रेजी शराब और बियर को नष्ट करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। कार्यवाही के दौरान प्रशासन की टीम और आबकारी विभाग का अमला मौजूद है। जिला मुख्यालय से मंडला रोड पर स्थित आबकारी विभाग के शराब गोदाम में सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले के लिए अंग्रेजी शराब एवं बियर का भंडारण होता है। आबकारी नीति अनुसार कंपनी द्वारा यहां रखे जाने वाले शराब बियर के स्टॉक का उठाव ठेकेदार द्वारा 6 महीने में करना होता है, लेकिन विगत 6 माह से यहां स्टॉक में रखी 19 ब्रांडेड कंपनी की सैकड़ों पेटी शराब और बियर का उठाव न होने पर विभागीय नियम अनुसार कार्यवाही की गई। ब्रांडेड कंपनियों की बियर को आबकारी विभाग खुदवाए गए गड्ढों में बाहर कर नष्ट कर रहा है, जबकि शराब की बोतलों पर बुलडोजर मशीन चलाई जा रही है। आबकारी अमला सहित अन्य की मौजूदगी में पेटियों में रखी बियर की बोतलों को खोलकर वेयर हाउस मैदान में ही खोदे गए गड्ढे में बहाकर नष्ट किया जा रहा है। तो वहीं जिन कंपनियों ने खाली बोतलों की डिमांड की थी, उनसे लेबर चार्ज लेकर गहरे गड्ढे में बोतलों से शराब खाली करवाकर बोतलें कंपनी के सुपुर्द की जा रही है। वहीं गड्ढे में मिट्टी पत्थर डालकर बंद कर दिया जाएगा, जबकि सैकड़ों पेटी ब्रांडेड शराब की बोतलों पर जेसीबी मशीन चलाकर बहा दिया गया।
कार्यवाही के दौरान प्रशासन की टीम और आबकारी अमला है मौजूद। सिवनी आबकारी विभाग की कार्यवाही। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सिवनी से अजय रैदास की रिपोर्ट। बेटी थी और इसकी अनुमानित कीमत क्या? अभी हमारे पास यहाँ नष्टीकरण चल रहा है, करीब 3000 पेटी हमारे पास में बियर थी और 300 पेटी हमारे रेडी टू ड्रिंक थी और बाकी जो बची हुई थी वो हमारी पूरी विस्की विस्की और फिर अन्य है, रम भी है। तो इस तरह से टोटल हमारी 10000 पेटी के लगभग था नष्टीकरण चल रहा है और इसकी अनुमानित कीमत 3,76,00,000 के लगभग, मतलब 3.5 से 4 के बीच में। ये नष्टीकरण का क्या है? इसका नष्टीकरण का कॉन्सेप्ट ये है कि बियर का तो 6 महीने का रहता ही एक्सपायर डेट, तो 6 महीने पुरानी बियर है और दूसरी जो है उसमें कंपनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर, प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार ने तलाशा नया विकल्प, ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान। किसानों की कर्ज माफी को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा था। इस पर कमलनाथ सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों ने शिवराज के घर पदयात्रा निकालकर किसानों की ऋण माफी के दस्तावेज सौंपे थे। हालांकि किसानों की नाममात्र की कर्ज माफी के बाद लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। अब किसानों की कर्ज माफी को लेकर जबलपुर के प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि यदि पात्र किसानों को यदि कर्ज माफी का लाभ नहीं मिला तो उन किसानों को खाद बीज की व्यवस्था सरकार करेगी। प्रियव्रत सिंह ने कहा कि सरकार अपना वादा जरूर पूरा करेगी। नई कर्ज माफी की जानकारी किसानों को SMS से दी जाएगी। कर्ज माफी के सवाल को प्रियव्रत सिंह टाल गए। उन्होंने किसानों को विकल्प देने की बात जरूर की है। प्रियव्रत सिंह के मुताबिक सरकार किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की यह है कि कितने किसानों के खातों में राशि पहुंच गई है और साथ साथ ही जिन किसानों के खाते में राशि पहुंच गई उनके रीफाइनेंस की क्या स्थिति है, साथ साथ जो सेकंड स्टेज में जो हमारे और भी जो आवेदन बचे हुए हैं या जिन पे दावा आपत्ति होनी है। आज की खबरों में बस इतना ही। आप क्या अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए देश प्रदेश और जिले की ताज़ा तरीन खबरें अपने ही मोबाइल पर रोज रात 9 बजे। नमस्कार।